हाँ जी दोस्तों, देखिए ये उस दिन की क्लिप्स है जिस दिन मैं गई थी घर से बाहर, और मौसम के हालात कुछ इस तरह से थे। और मौसम जो था बहुत बुरा भयंकर बना हुआ था, जो कि मैं व्यू के थ्रू आप सब दोस्तों के सामने बयां कर रही हूँ। बहुत बुरे हाल थे। यहाँ से जब हम खड़े होते थे, जब भी जाते थे, तो पहाड़ों का व्यू देखने में बहुत सुंदर लगता था, लेकिन आज जो था ना, बिल्कुल भी चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने कैप्चर करने की कोशिश तो की, लेकिन सिवाय बादलों के कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। फिर आ रहे थे हम घर वापसी, तो देखिए स्लेट के साथ इन्होंने नीचे जो है पौड़ियाँ बना के रखी हुई है। और ये मेरी ननद जी के जेठ जी है। जब हम घर वापस आ रहे थे, हमारी गाड़ी यहाँ पे एक्चुअली खड़ी हुई थी, जब हम घर वापस आ रहे थे तो आपस में हम बात भी कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों के साथ शेयर किया हुआ था कि इन्होंने ना मतलब हमें मना करते करते भी आलू और प्याज दे दिए थे, मना करते करते भी, और बोलते हैं कि नहीं लेके जाओ। तो हमने बोला नहीं, अच्छा नहीं लगता है, तो वो वाला सामान हमें यहाँ पे वो दे रहे थे। बीच में जहाँ भी मेरे को कुछ भी वो अच्छा लग रहा था, मैं वहाँ वहाँ कैप्चर कर रही थी। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा। बीच में ऐसे ही हम गाड़ी में मस्ती कर रहे थे पागलों की तरह। पागलों की तरह हमें बीच बीच में कुछ ऐसा मतलब मस्ती आ रही थी। तो हाँ जी दोस्तों, मैं डायरेक्ट अब कल के बाद जो है अभी शाम को मिल रही हूँ। आज है दिन ना, क्या है आज दिन? फ्राइडे। फ्राइडे के दिन शाम को मैं अभी 6:30 बजे जो है ना अपनी मतलब थोड़ी सी जो मेरी वीडियो बच गई थी, मैं वही बना रही हूँ। और अभी इस साइड देखिए, मेरी फ्रेंड की यहाँ पे चल रही है क्या बोलते हैं उसको, वीडियो दूसरी से देख के अभी हम फ्री हुए हैं। और बाकी अभी देखो, आज मैंने इतना ज़्यादा मतलब बोले कि आज मैंने काम भी बहुत ज़्यादा किया। ये देखो, अभी मैं लाइनिंग वाला सूट जो है ना इस सुई के साथ स्टिच कर रही हूँ, तो मैंने इसका आगे वाला पल्ला जो है ना अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। और इसके साथ जो थी ना कस्टमर की अफगानी सलवार है, ठीक है? तो अभी आप मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपको अच्छा लगे मैं तभी बताऊंगी। अभी एक जगह मैं रख देती हूँ और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी, ठीक है? तो ये देखिए, ये कस्टमर की सलवार है अफगानी। कुछ नहीं, मैंने शायद आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ था। इसमें क्या है, आगे पीछे चुन्नट पड़ती है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत इजी वे में होती है, लेकिन हाँ जैसे न्यू होती है ना तो मतलब लोगों को बनाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। शुरू शुरू में मेरे को भी मुश्किल हुई थी, लेकिन हमारा क्या है, जैसे कोई भी वीडियो आती है ना मतलब न्यू ट्रेंड में आती है, तो हमें जो है जहाँ पे मैंने सिलाई सीखी हुई है वो वाले सर हमें मतलब व्हाट्सएप में डाल देते हैं। तो मेरा स्टिचिंग का कोर्स जो था वो दिल्ली से हुआ था, तो वो वाले सर जो है मतलब है बहुत अच्छे, टचवुड। आज वो वीडियो देखते होंगे मेरी, तो मतलब मैं यही बोलती हूँ, ऐसी बात नहीं है, वो वीडियो देखते हैं हमारी। और अभी ये उन्हीं की मतलब मेहरबानी है जो हम आज तक मतलब इतनी मेहनत करके आगे बढ़ चुके हैं। और ये मतलब हमें आज जो स्टिचिंग का जितना भी काम आ रहा है उन्हीं की बदौलत से है। बाकी अभी ये देखो, आज मैंने ना ये वाला काम किया, इसकी सलवार स्टिच कर दी, दिन को फ्रेंड्स की वीडियो देखी, अभी फिर से फ्रेंड्स की वीडियो देखी। मतलब बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हो गया है, सच बात बोलूँ तो। तो चलिए, आप कंटिन्यू बने रहिए, बाकी हम भी अपना काम करते हैं। और अभी शाम के बज रहे हैं 7, और ये है कुछ सामने का व्यू जैसा कि आप देख सकते हो। और ये देखो, हाथ में मैंने लेके रखी है आलू प्याज की बोरी। इसमें जो है ना देसी आलू है और देसी प्याज है, तीन तीन दो दो तीन तीन किलो है शायद। तो वो वाली जो बोरी हम लेके आए थे वो तो चलो शॉप से लेके आए थे, लेकिन हम ये गए थे जहाँ पे तो उन्होंने डाल दिया कि लेके जाओ, ऐसे पता क्या होता है अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने मतलब इतने प्यार से दिया, मना भी नहीं हुआ। और अभी मैं सोच रही थी क्योंकि बरसात के टाइम में जो होता है ना तो ये ख़राब हो जाएगा अगर बोरी में बांध के रखा, क्योंकि दूसरे वाले भी मैंने बोरी में बांध के रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ये सारा सामान एक यहाँ पर मेरे पास चंगेर है, तो मैं चंगेर में डाल दूँगी, ठीक है?
अभी रखी तो है मैंने, ऐसे क्यों होगा फिर सारा जो सामान होगा ना बिखरा सा आएगा, और ध्यान से दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ पे, बिखरा आएगा और क्या होता है ना आजकल नमी जो होती है वो भी नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे ढूंढती हूँ मैंने कहीं पे रखी है। अभी देखो इतना ज़्यादा मैंने यहाँ पे कूड़ा कबाड़ रखा होता है अनपेंडिंग रूम में, तो पता भी नहीं लगता कहाँ रखा है सामान, तो ढूंढती हूँ पहले कहाँ है वो। ये देखिए इसको ढूंढ रही थी, ये मेरे ना दहेज की मतलब दाज की जो है ना चंगेर है, इसमें रोटियां वगैरह डालते हैं। अभी ये इसको हो गए 17-18 साल, तो ये देखो लोगों की मतलब टूट जाती है ना, लेकिन मैंने इसको इतना संभाल के रखा हुआ था। इसमें ना वो छोटी छोटी तितरियां जो होती हैं वो भी पड़ गई हैं, बहुत इतना संभाल के रखा हुआ था। अभी जितने भी आलू प्याज है ना मैं सब के सब इस चंगेर में डाल देती हूँ, ठीक है अभी डालती हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ कि जो नीचे वाले जो है ना आलू प्याज वो भी मैं इसी में डाल दूँगी, लेकिन ये मतलब देसी और अंग्रेजी है, लेकिन देसी का पता चल जाता है कि देसी कौन से तो अंग्रेजी कौन से, तो मैं सारा जो आलू प्याज है ना मिक्स कर दूँगी। तो अभी करती हूँ मैं मिक्स इनको। अभी इसमें गांठ इतनी टाइट करके डाली हुई है ना, खोलने का भी कोई पता नहीं है। तो अभी दुकान में रखे थे और आज लेके आए हैं, ये पता है? ये देखो ये है देसी प्याज, लाल लाल। ये देसी प्याज मतलब जो हम अपने किचन गार्डन में क्यारियों में तैयार करते हैं ना, तो ये है देखो, बड़ी हैरानी की बात है। ये देखिए ये खुद यहाँ के जो है अपनी ज़मीन से निकला हुआ प्याज है। देखो आलू भी बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए ये आलू, ये भी यहाँ पे फसल तैयार होती है आलूओं की। ये देखो ये आलू, ये देखिए यहाँ पे जो रेडी होते हैं, और ये प्याज, ये देखो ये दिए है इन्होंने आलू, ये देखो तो 3-4 किलो तो है ये। ये देखो और ये आलू ना खराब नहीं होते हैं पता है, और ये है प्याज। इसमें डाल दूंगी ना तो हवा लगती रहेगी। अभी दूसरे प्याज का मैं पता क्या करूंगी, आलू का इसमें नहीं डालूंगी। मेरे पास एक स्टील का क्रेट है बर्तन वाला ना, वो यहाँ पे ऐसे ही मैंने कबाड़ डाला हुआ है, मैं उसमें डाल दूंगी उसमें हवा, क्योंकि इसमें ये ना हवा लगती रहेगी ना। यार ये क्या कर रही हूँ, एक तरफ से कर रही तो दूसरी तरफ भाग रहा है ये। तो ये देखिए बहुत से ऐसे गांव के रहने वाले जो लोग हैं वो तो मतलब खेती बाड़ी अपने ही वहाँ पे कर लेते हैं, क्यारियों में खेत होते हैं बड़े बड़े। ये हो तो गया नहीं, अभी एक बच गया। तो ये देखिए अभी बैक कैमरे से बताती हूँ आपको कितना सामान है। ये वाले आलू प्याज देके रखे हुए हैं, और शाम के टाइम में ना देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। आज ना मतलब इनकी क्लास है, तो इनकी क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो आजकल क्या कर रहे हैं ना इनके मतलब क्लास का लिंक जो है वो 9:15 बजे, मतलब 9 बजने के लिए जब 15 मिनट बजते हैं ना तो आ जाता है। तो पिछली बार भी वो गुस्सा कर रहे थे कि आप लोग लेट हो गए हो, तो फिर कुछ पूछना होता है तो वो मतलब 15 मिनट में जो जो अपने क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पे सर के पास जो है ना एंटर करवा देते हैं, फिर वो सर जो है ना टर्न बाई टर्न जो है उनकी बातों का जवाब देते हैं। तो आज मैं मतलब मटर पनीर बना रही हूँ, साथ में एक शिमला मिर्च लाई थी, और गेस्ट आए हुए हैं बच्चे ननद के भी ना, वो भी उनको थोड़ा मतलब काम था यहाँ पे, नाम ले दिया था मैंने, तो वो आए हैं, तो भाई बहन है, तो एक नीचे शिफ्ट हो गया है मंजली जेठानी के पास और एक मेरे पास है लड़की, तो मैं पनीर बना रही हूँ उसके साथ शिमला मिर्च सूखा सूखा। तो चलिए अभी इस मान को रख लेती हूँ ना, वो फटाफट खाना बना लेती हूँ और बाहर का भी उतारती हूँ। अभी इतनी ज़्यादा ना बारिश आने वाली है, मौसम जो है ना बिल्कुल काला हो गया है। एक्चुअली वैसे तो मैं बाहर का व्यू बताती ही रहती हूँ, लेकिन जो नए नए फ्रेंड्स मेरे बनते हैं ना
उनको नहीं पता होता है। ठीक है, तो ये है कुछ बाहर का व्यू, ये देखिए शाम का टाइम का ना व्यू ऐसा भी बहुत अच्छा होता है। तो कुछ फ्रेंड्स मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो दी, तो मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से बिलोंग करने वाली हूँ। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से बिलोंग करती हूँ। तो ठीक है, फिर अभी मैं अंदर रख देती हूँ इसको। तो हाँ जी दोस्तों, इस टाइम इतनी ज़ोरों से बारिश पड़ी हुई है, शायद आपको बाहर का मतलब आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और इतनी ज़ोरों से आवाज़ हो रही है, यह देखो इतनी आवाज़ हो रही है, बाहर से कोई आवाज़ भी डालेगा तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा। और ये देखो रास्ते में जो है इतना पानी चला हुआ है, और ये जो बारिश है रात के मतलब जब रात हुई भी नहीं थी तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई थी, और जिस तरह से इस टाइम इतनी बारिश लगी हुई है मूसलाधार, यही मतलब ना तो रुकी है ना तो कम हुई है, लगातार ऐसे की ऐसे बारिश लगी हुई है। और आज तो 100% हाई अलर्ट जारी करके रखा हुआ है कि आज बिजली गर्जन बहुत ज़्यादा होंगे, तो बहुत बारिश जो है इस टाइम लगी हुई है। बाकी और तो क्या है, जैसे बाहर निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और अभी देखो बात कर रहे हैं तो ये पूरी इसकी आवाज़ जो है ना यहाँ वीडियो में आएगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ भी क्या इतनी बारिश हो रही है। यहाँ तो बड़े बुरे हाल है सच में बात कर रही हूँ तो। बाकी चलो देखते हैं, आप कंटिन्यू बने रहिए। और सुबह से मैं इतनी देर से उठी थी, टाइम 7:15 लगे होने, लेकिन 1.25 घंटा हो गया, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। आज तो बल्कि बच्चों को छुट्टी भी आ गई, थोड़ा सा भी हमने सोचा चलो रेस्ट कर लेते हैं, और अंदर जो है ना अभी लाइट ऑन करके रखी हुई है और अंधेरा है, तो चलिए बने रहिए आप। और ये देखिए अचानक क्या मतलब बारिश तो रुकी नहीं थी, इतनी ज़ोरों से बारिश लगी हुई थी, जब भी बाहर कोई निकलते थे ना तो मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी कि सिर के बाल ना मैं बोलती उखड़ जाएंगे इतनी बारिश में। देखिए कितनी तेज़ बारिश लगी हुई थी, और इसके चलते जो ना घर भी खतरे में पड़ गया था, पीछे घर के पीछे जो डंगा है ना, डंगे के मतलब जो मिट्टी लगी होती है वो भी थोड़ा थोड़ा करके फिसलना मतलब निकालना जो है स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए मौसम मतलब अगर ऐसा ही रहा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल है आगे।